कोरोना महामारी के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत अगले हफ्ते 100 करोड़ टीके लगा देगा। अभी टीकाकरण की जो रफ्तार है उससे गुरुवार तक भारत इस आंकड़े को हासिल कर लेगा। अगर हम भारत के अब तक टीकाकरण अभियान पर नजर डालें तो ये उपलब्धि असाधारण लगती है। एक ऐसे देश में जहां कोरोना महामारी के फैलने तक वैक्सीन की दूर दूर तक कोई संभावना नजर नहीं आ रही थी, वहाँ एक साल में टीके बनाकर 1 अरब डोज लगा देना आसान काम नहीं है। कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत ने शनिवार रात 8 बजे तक 97.52 करोड़ डोज लगाए हैं और जिनमें 69.50 करोड़ पहली और 28 करोड़ दूसरी डोज शामिल है। भारत में अभी 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। इस तरह अभी तक करीब 70% लोगों को पहली और लगभग 30% लोगों को दोनों डोज लगाई जा चुकी है। तो लगातार देश में वैक्सीनेशन अभियान को रफ्तार दी जा रही है और ऐसे में वैक्सीन की 100 करोड़ डोज लगाने की दहलीज पर भारत है और जल्द ही ये जो आंकड़ा है उसको पूरा करेगा भारत। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।